क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस के 3.3 से पहला जो टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के भी बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है इफ़ बी इंटरचेंज्ड रो या कॉलम को क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज्ड कर दिया जाए, देन वी गेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। इट इज़ डिनोटेड बाई ए डैश को हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए। और या फिर आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ए और पावर में टी, ठीक है। अब ये इंटरचेंज्ड क्या होते हैं, ठीक है, देख लीजिए। मान लीजिए कि एक हमारे पास है मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वह क्या दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास ए है मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ए डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है, या फिर आप इसको ए के पावर टी से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों मेथड है, हम ए डैश यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज्ड हमें कर देना है रो को या कॉलम को, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये 1, 2, 3 रो में है, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में है, इसको हम वर्टिकल में लिखेंगे, इसको वर्टिकल में लिखिए 1, 2, 3, ये भी हॉरिजॉन्टल में है, इसको भी वर्टिकल में लिख दीजिए 4, 5, 6, समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में लिखना, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में लिखने को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, समझ में आ गया। ये एक और है मैट्रिक्स, मान लीजिए 1, 2, 3, और आपसे अगर कोई कहे कि चलिए इसका फिर ट्रांसपोज करो, तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए इजकल टू क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, कॉलम में है, इसको रो में चेंज कर दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स समझ में आ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हैं, इफ ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज अगर बराबर हो जाए ए के, देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ में आया। अगर ए ट्रांसपोज है, ठीक है, अगर वह ए के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज अगर हम फिर उसको अगर वह ए के बराबर हो जाएंगे तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, देख लीजिए एग्जांपल के लिए ये है, ध्यान दीजिए, जैसे कि ए है हमारे पास मैट्रिक्स 1, 4, 5, 4, 4, 2, 6, 5, 6, 3, इसको आप अच्छे से समझिए, देख लीजिए ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, ये ट्रांसपोज हो गया, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज, चलिए इसको अब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। देखिए ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ये ए के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि इसी के बराबर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको ट्रांसपोज कैसे करेंगे, आपको पता होगा, ये देख लीजिए, ये है रो में लिखा हुआ, ये हॉरिजॉन्टल में है, इसी को वर्टिकल में लिखिए 1, 4, 5, इसको ये हॉरिजॉन्टल में है वर्टिकल में लिखिए 4, 2, 6, ये हॉरिजॉन्टल में है यहाँ वर्टिकल में लिखिए 5, 6, 3, ठीक है, ये आपको मिला, ठीक है। अब ये देख लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये आ गया, और ये किसके बराबर है, इसी ए के तो बराबर है, देख लीजिए ए के बराबर है ना भाई, ये और ये दोनों इक्वल हैं, ये ए मेरा कॉम्प्लीमेंट, ए मेरा मैट्रिक्स है, और इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, तो ये आया, और ये किसके बराबर है, इसी के तो बराबर है, तो इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ गए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, इफ़ ए ट्रांसपोज बराबर हो जाए माइनस ए के, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ए हमारे पास मैट्रिक्स है जो दे रखा है 0, 1, 2, ठीक है, -1, 0, और फिर क्या है -3, और फिर -2, और फिर 3, 0, ये हमारे पास ए है मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स है। अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, इसको ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का मतलब ए डैश करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, 0, 1, 2, इसको इस तरीके से लिखेंगे ना, इसको हम
इस तरीके से लिखेंगे, 0 1 2, अच्छे से सीख लीजिए। इस ये हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में इसको लिखेंगे, -1 0 -3। ये हॉरिजॉन्टल में है थर्ड रो, इसको वर्टिकल में लिखेंगे, -2 3 0। ये हमारा आ गया, ठीक है। ये ए है मेरा और ये ए ट्रांसपोज मैंने कर दिया। जब मैंने ए ट्रांसपोज किया, ठीक है डियर, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम माइनस इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए 0 का 0, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव में है, पॉजिटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में कर दीजिए, -3। ये पॉजिटिव में है, इसको नेगेटिव में कर दीजिए, -2। ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा 0। अब आपको इसमें क्या मिला, ये माइनस तो लग गया और ये किसके बराबर है, ठीक ए के बराबर है, देख लीजिए, 0 1 2 0 1 2, -1 0 -3 -1 0 -3 2 -2 3 0 -2 3 0 -2 3 0, ये ए के बराबर हो गया ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है डियर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने आप खुश हैं।